दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए मोहन की, तो मोहन इस समय सबसे ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, क्योंकि मोहन को इतना तो जरूर पता चल गया कि राधा को बचाना है, लेकिन आखिरकार दामिनी की बात तो सुन भी ली है, लेकिन दामिनी ने जिस तरीका से बोला था अपने आदमी से कि राधा का पता नहीं चलना चाहिए वो कहाँ है और वो कैसे है, जिसके बाद में मोहन ने सीधा सीधा बोला है दामिनी से कि दामिनी ये बताओ राधा कहाँ पर है। लेकिन मोहन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अटैक करवाने वाला शख्स कोई और नहीं है, बल्कि जो अटैक करवाया था वो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो वो सीधा सीधा आप लोगों के बीच में पहले से ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि दामिनी और दामिनी की माँ कावेरी ही दोनों ही इस तरीका की इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी, लेकिन दोस्तों अब प्लानिंग पूरी तरीका से फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों फाइनली अब राधा को आ चुका है होश, और होश में आने के बाद में राधा की अगर बात की जाए तो राधा इस समय थोड़ा टेंशन में जरूर आ रही है कि आखिरकार इन लोगों ने क्या किया था मेरे साथ में, और आगे ये और भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि बात की जाए इस समय सबसे बड़ी अपडेट की, तो सबसे बड़ी अपडेट एक नए प्रकार से और देखने को मिलने वाली है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि तुलसी इस बार बोलती हुई नज़र आने वाली है राधा से कि राधा अब तक तो तुमने सहन किया है, लेकिन अब तुम सहन करने की जगह सीधा सीधा अटैक करना दामिनी और उसकी माँ कावेरी के ऊपर, क्योंकि बहुत हुआ सम्मान, इसके बाद में अब सम्मान की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है दोस्तों। वाकई में ये हकीकत बात है कि अब जो राधा करने जा रही है दामिनी के साथ में वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि आखिरकार इन लोगों को भी करने की सज़ा मिलनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस आपको आखिरकार मेरी वीडियो कैसे लग रही हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट